हेलो एवरीवन, तो आप लोग सभी मस्त होंगे। ठीक है, आज तुम्हारा नेक्स्ट वीडियो लेके आए हम क्लास 10 यानी ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 6.3 है पार्ट। तुम्हारा 8 वीडियो है, इसमें बहुत सारा प्रमेय। अगर प्रमेय को जान लेता है तो इस चैप्टर में बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर इस प्रमेय को प्रूव करना है तो पिछला वाला वीडियो जाकर जरूर देखें। ठीक है, सबसे पहले देखो ये जो तुम्हारा है एक्सरसाइज 6.3 है, जान रहा होगा आने ये पार्ट कौन सी वीडियो है, तुम्हारा पार्ट 8 वीडियो है। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करना है, समरूप त्रिभुज सिमिलर ट्रायंगल यानी समरूप त्रिभुज, बहुत अच्छे से बताया मैंने ये। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट 1 वीडियो में बहुत अच्छा तरीके से दिए, और इसका 6 और 7 में इसका टोटल थ्योरम क्या किया गया, प्रूव किया गया है, तो आप लोग जरूर जाके देखें। थ्योरम को अगर अच्छा से समझ लेता है तो क्वेश्चन बनाने में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं करेगा, लेकिन अगर इसको प्रूव करने के लिए जान जाता है तो तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में है ना, बोर्ड एग्जाम में तुम्हारा टोटल कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, 5 नंबर में प्रूव करने के लिए पूछता है। अगर आ ही गया तो क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो अगर प्रूव करने के लिए अगर सीख जाते हो तो और अच्छी बात है ना, तो इसको जाके सिद्ध करने के लिए क्या करना, पहले सीख लेना कि किस तरीके से सिद्ध किया जाता है। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे ढंग से क्या किया, प्रूव किया। सबसे पहले देखो समरूप त्रिभुज सिमिलर ट्रायंगल, नहीं दो त्रिभुज समरूप होंगे, अगर किसी भी पढ़ाए भी होंगे कि समरूप करने के लिए कम से कम कितना ट्रायंगल होना चाहिए, 2 ट्रायंगल होना चाहिए। फर्स्ट नंबर क्या करना चाहिए जब समरूप करने के लिए, पहला उनके संगत कोण समान होना चाहिए, दूसरा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो अर्थात वे एक ही अनुपात में हो। सबसे पहले देखो कहने का मेरा मतलब है कि 2 ट्रायंगल है, ठीक है, कितना ट्रायंगल दिया हुआ, 2 ट्रायंगल फर्स्ट और क्या है सेकेंड है। मान लेते हैं ए बी सी पी क्यू और पी क्यू क्या हो गया, आर हो गया, कह रहा उनके संगत कोण समान हो। मान लेते हैं ए जो होगा ए के बराबर, बी जो होगा बी के बराबर, और सी जो होगा सी के बराबर होगा, यानी कह सकते हैं कि ये जब संगत कोण बराबर होता है तो भी त्रिभुज क्या हो सकता है, समरूप हो सकता है, या उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, या कह सकते हैं ए बी बटा पी क्यू, बी सी बटा क्यू आर और ए सी बटा पी आर, है ना। अगर एक ही अनुपात में हो तो वह क्या होता है, त्रिभुज समरूप होता है। एनी प्रॉब्लम, अगर इसको अच्छे ढंग से देखना है तो पार्ट 6 वीडियो, पार्ट 7 वीडियो या पार्ट फर्स्ट वीडियो जाके जरूर देखें। ठीक है, है ना। ए परमेय, ए परमेय क्या होता है, ए ए ए समरूपता। अच्छा, ए मतलब क्या होता है, पढ़ाए होंगे, एंगल मतलब क्या होता है, कोण, यानी कह सकते हैं कौन 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 समरूपता क्या, समरूप करने के लिए कम से कम कितना ट्रायंगल होना चाहिए, 2 ट्रायंगल होना चाहिए। सबसे पहले समझो कि क्या है, यदि 2 त्रिभुज में कितना त्रिभुज होना चाहिए, 2 त्रिभुज होना चाहिए, संगत कोण बराबर हो, संगत कोण क्या हो, बराबर हो, और उनकी संगत भुजाएं भी क्या हो, एक ही अनुपात में हो। एक ही अनुपात का मतलब होता है समानुपातिक, है ना, यानी समानुपातिक होती है तो उसके लिए दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। समझ में आया, यानी एंगल 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 का मतलब होता है कि किसी भी 2 त्रिभुज में उसकी संगत कोण बराबर हो और उसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, तो वह नियम जो होता है, वह जो कसौटी होता है वो क्या होता है, एंगल एंगल एंगल, यानी ए ए से क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है। एनी प्रॉब्लम। सेकेंड नंबर है परमेय एस 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 क्या है, ध्यान से देखो, यानी साइड 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 भुजा 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 क्या होता है, यदि 2 त्रिभुज कितना त्रिभुज होना चाहिए, 2 त्रिभुज होना चाहिए, 1 त्रिभुज की भुजाएं और दूसरे त्रिभुज की भुजाएं क्या हो, समानुपातिक हो, अर्थात कह सकते हैं किस अनुपात में हो, एक ही अनुपात में हो, तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, इसके लिए दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। समझ में आया, यानी कोण भुजा 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 का मतलब होता है कि हमेशा अगर ये प्रूव करना चाह रहे हो तो 2 ट्रायंगल तो लेना ही है, तो अगर भुजा समानुपातिक हो, भुजा क्या हो, समानुपातिक हो, तो निश्चित है कि उसका कोण जो होगा, संगत कोण जो होगा, आपस में बराबर होगा। संगत कोण क्या होगा, बराबर होगा, तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। ये तुम्हारा सेकेंड है क्या परमेय, यानी परमेय नंबर क्या है, बी, ये प्रूव हो जाएगा। तो उस नियम को हम लोग क्या कहेंगे, उस रूल को, उस कसौटी को क्या कहेंगे, एस 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 कहेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखा है परमेय थर्ड, जिसको कहते हैं एस ए एस, क्या कहते हैं एस ए एस, बताए भी होंगे
दो भुजा एक ही अनुपात में हो और उसके अंतर्गत का कोण आपस में बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इस कसौटी को हम लोग क्या कहते हैं, एस एस यानी भुजा कोण भुजा। मतलब होता है यदि एक त्रिभुज यानी एक त्रिभुज का एक कोण और दूसरे त्रिभुज का एक कोण बराबर हो तो वह दोनों कोणों का अंतर्गत है ना, यानी इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपातिक होती है तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। अभी जस्ट ही तो बताएं कि मान लेते हैं दो ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर, तो मान लेते हैं ये कोण और ये दोनों भुजा और ये कोण, पहले त्रिभुज की दोनों भुजा एक ही अनुपात में होना चाहिए दूसरे त्रिभुज का, तो वह क्या हो जाएगा, एस एस नियम से क्या हो जाएगा, तो समरूप हो जाएगा। लास्ट जो है क्या, यदि किसी समकोण त्रिभुज, यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली या समकोण वाले शीर्ष के कर्ण पर लंब डाला जाए, क्या डाला जाए, लंब डाला जाए, तो लंब के दोनों बने यानी लंब के दोनों बने त्रिभुज जो होंगे संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं, परस्पर भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। देखो इसका मतलब होता है कि अगर मान लेते हैं हम यहाँ से सबसे पहला इसका पॉइंट जो है ना, सबसे पहला जो पॉइंट है अगर मान लेते हैं ये क्या है, ये क्या है तुम्हारा समकोण त्रिभुज है ए बी सी, क्या करा था समकोण बनाने वाली कोण है ना, यानी समकोण वाले शीर्ष से क्या किया जाए, लंब डाला जाए, सामने वाला भुजा पर क्या डाला जाए, लंब डाला जाए, तो कह रहा है कि संपूर्ण त्रिभुज, संपूर्ण मतलब हो गया पूरे त्रिभुज और ये छोटा त्रिभुज के क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ये छोटा वाला दोनों त्रिभुज के समरूप होगा यानी फर्स्ट बड़ा त्रिभुज और सेकेंड बड़ा त्रिभुज, ठीक है, और आपस में परस्पर भी समरूप होते हैं यानी कि ये दोनों छोटा वाला जो समकोण त्रिभुज भी दिख रहा है ये दोनों भी आपस में समरूप होगा, छोटा वाला बड़ा वाला भी समरूप होगा, ये छोटा वाला बड़ा वाला समरूप होगा और आपस में ये दोनों भी क्या होगा, समरूप होगा। कहने का मतलब है कि लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज यानी ए बी सी समरूप त्रिभुज लिखेंगे, इसका नाम देंगे तो ए डी बी होगा, क्या होगा, ए डी बी हो जाएगा, यानी ये वाला त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज, दूसरा नंबर बड़ा ही त्रिभुज और समरूप होगा त्रिभुज कह सकते हैं बी डी सी का, किसका होगा, बी डी सी का, और कह रहा है कि यानी कि परस्पर भी समरूप होगा, कहने का मतलब ये और ये दोनों भी समरूप होगा, यानी कह सकते हैं त्रिभुज ए डी बी, ए डी बी समरूप होगा त्रिभुज बी डी सी का, किसका होगा, बी डी सी का, यानी तीनों आपस में क्या होता है, समरूप होगा, बड़ा बड़ा त्रिभुज छोटा वाला फिर बड़ा त्रिभुज ये छोटा वाला आपस में दोनों छोटा वाला ये भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो ये चार कंडीशन अगर ध्यान में रखते हो तो इस चैप्टर में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। एक्सरसाइज 6.3 अगर इसको अच्छा से बेहतर तरीके से समझना है तो इसका पिछला वीडियो जाकर जरूर देखें, इसको प्रूफ भी किया गया है ना, परमेय फर्स्ट परमेय सेकेंड परमेय थर्ड और परमेय फोर, ये भी किस तरह से होता है इसको भी प्रूफ किया गया है पिछला वाला वीडियो में, और अगर देख लेता है तो कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा, यानी कि एकदम जीरो से कॉन्सेप्ट क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हम लोग अब क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या चलते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बताइए कि निम्नलिखित त्रिभुज युग्मों में कौन समरूप है ना, कौन समरूप है, और ये भी देखना है कि प्रयुक्त समरूप कसौटियों को भी क्या करना है, लिखना है। कसौटी मतलब नियम रूल जिसको कह सकते हैं, साथ त्रिभुज के युग्मों को सांकेतिक रूप में लिखना है। सांकेतिक मतलब होता है कि समरूप त्रिभुज का संकेत क्या होता है उसके साथ में लिखना है, और भुजा की जो लंबाई है वो टोटल क्या दिया हुआ है, सेंटीमीटर में है ना, तो क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले देखो समरूप करने के लिए सबसे पहले ध्यान से समझना पड़ेगा कि इसका एंगल 70 और इसका एफ वाला एंगल 70 हो गया, ये 50 डिग्री बी है, इसका ई जो है 50 डिग्री दिया हुआ है, इसका मतलब है कि एंगल ए बराबर है 70 डिग्री और एंगल एफ बराबर देखो दिया हुआ है 70 डिग्री, इसका मतलब क्या दिख रहा है कि कोण ए जो होगा कोण एफ का क्या होगा, इक्वल होगा, एनी प्रॉब्लम। और कोण बी 50 डिग्री है और कोण ई 50 डिग्री है, इसका मतलब है कि कोण बी जो होगा बराबर होगा कोण
ई का। अच्छा, किसी भी त्रिभुज की दो कोण भी बराबर हो जाता है तो त्रिभुज समरूप होता है। पता होना चाहिए कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजा भी बराबर यानी दो कोण भी बराबर हो जाए यानी भुजा यानी किसी भी त्रिभुज की दो कोण भी बराबर हो जाए तो वह त्रिभुज समरूप होता है ना, क्योंकि शेष कोण निश्चित है कि यह क्या होता है, इक्वल ही होता है ना। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि 70 70 है, क्योंकि 180 में अगर ये दोनों जोड़ के घटा दो तो ये बचेगा, तो सेम जितना आएगा ये भी उतना ही बचेगा, यानी शेष कोण से क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसलिए हम लोग लिखेंगे, अगर त्रिभुज फर्स्ट वाला जैसे भी लिखना है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेकेंड फर्स्ट के अनुसार ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज क्या लिखना है, एबीसी समरूप, देखो समरूप है किसका, तो त्रिभुज किसका समरूप दिया हुआ है, तो एबीसी, एबीसी इसके अनुसार से ये चलना है। तो एबीसी 70 50 शेष, 70 50 शेष, तो यहाँ क्या लिखेंगे, त्रिभुज एफ ई डी। अच्छा ये बताओ दोनों समरूप हो गया तो यहाँ क्या लिखेंगे, एंगल 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 समरूपता से, समरूपता से ये क्या हो गया, क्या हो गया, तो ये सर्वांग समूह हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें टोटल 8 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखो, फर्स्ट का सेकेंड, सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ है, ए बी सी त्रिभुज है और पी क्यू आर त्रिभुज है, ठीक है। अब देखो क्या करना है कि ए बी में 2 सेंटीमीटर है, बी सी 3 सेंटीमीटर है और ए सी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लंबाई पहले ही कर दिया है सेंटीमीटर में, ठीक है। तो यहाँ सेंटीमीटर दर्शाना कोई बात नहीं है। अब देखो क्या करना है, तो ये इसका दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी का और पी क्यू आर का, देखो पी क्यू 4 है, तो देख रहे हैं कि 2 से यानी दोगुना हो रहा है, इसका 4 का ही दुगुना हो रहा है, 3 का दुगुना हो रहा है, इससे ये प्रूव हो रहा है कि ए बी जो है, हम लोग जानते भी है कि समरूप करने के लिए या तो भुजा समानुपातिक दिखाना है या तो कोण इक्वल दिखाना है, तो यहाँ भुजा देख रहे हैं समानुपातिक जैसा दिख रहा है, तो क्या दिख रहा है, ए बी बाई में क्या लिखेंगे, पी क्यू, ए बी की वैल्यू 2 और पी क्यू की वैल्यू क्या है, 4, दो दूनी क्या होगा 4, यानी 1/2 कितना आएगा, 2 आएगा। इसी तरह से अगला कौन लिखेंगे, तो बी सी, और बी सी बाई क्या होगा, क्यू आर, बताओ बी सी की वैल्यू क्या है, 3 और क्यू आर की वैल्यू 6, तीन दूनी क्या होगा, 6, 1/2 आ रहा है, 1/2 क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। थर्ड भुजा क्या है, AC, अब I में क्या लिखेंगे, PR, AC की वैल्यू क्या है, 4 और PR की वैल्यू कितना है, 8, 4 दूनी कितना होगा, 8 यानी 1/2 कितना होगा, तो देख रहे हैं कि ये भुजा और ये भुजा तीनों आपस में क्या है, बराबर है, यानी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि चूंकि ए बी बाई पी क्यू बराबर में दिया हुआ है बी सी बाई क्यू आर और ए सी बाई पी आर इक्वल टू 1/2, यानी तीनों भुजा आपस में क्या दिख रहा है, समानुपातिक दिख रहा है, अतः हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो त्रिभुज समरूप अगर हम लोग करते हैं ए बी सी से, किससे करते हैं, त्रिभुज ए बी सी समरूप दिखाते हैं, ध्यान से देखेगा, तो त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा, त्रिभुज ए बी सी ध्यान से देखना, यानी ए बी और क्या है, सी है, तो यहाँ से भी नाम दे सकता है, देखो ए बी और क्या है, सी है, तो यहाँ से भी चल सकते हैं हम लोग, क्या चलेंगे, हर से इसका P, Q और अंत वाला क्या लिखेंगे, R लिखेंगे, ठीक है, अंत वाला क्या लिखेंगे, R लिखेंगे यहाँ से। तो देखो क्या करना पड़ेगा, या तो इस तरह से भी चल सकते हैं, क्या करेंगे कि जैसे पी क्यू सॉरी ए बी और क्या है, सी है, तो 2 3 4 है ना, 2 3 क्या हुआ, 4, तो 4 6 8 इस तरह से चलेंगे पी क्यू आर, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर। अगर ये कोण सर्वांगसम करते समय अगर उल्टा पुल्टा लिख देगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो त्रिभुज एबीसी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर का, पी क्यू आर का होगा, तो तीनों ये भुजा का समानुपातिक दिखाएं, इसका मतलब ये जो होगा इसका जो कसौटी होगा क्या लिखेंगे, एस 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 सर्वांग समता से, सॉरी समरूपता से, क्या लिखेंगे, समरूपता से, क्योंकि सर्वांग समता हम लोग किस क्लास में पढ़ना था, 9th में, लेकिन इसमें भी कुछ कुछ क्या था, क्वेश्चन था फर्स्ट चैप्टर में जो कि हम कंप्लीट करवा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का थर्ड नंबर, देखो सबसे पहले क्या है, दो त्रिभुज एम एन एल और दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर, यहाँ देखो क्या देख रहे हैं, 70 डिग्री और यहाँ देखो 70 डिग्री, यानी यहाँ एम और यहाँ क्यू इक्वल टू दिख रहा है, यानी इक्वल दिख रहा है, ठीक है, और 2.5 और यहाँ देखो 5, 2.5 का दुगना क्या ये होता है, नहीं होता है, 5 का ही दुगना हो रहा है, कोण तो इक्वल हो रहा है लेकिन भुजा समानुपातिक नहीं दिख रहा है, और अगर भुजा समानुपातिक और कोण इक्वल देखे तो वह ए से एस से क्या हो जाता है, समरूप हो जाता, लेकिन यहाँ देखो 3 3 रहता है, यहाँ पे कितना आया है, 6 है, तो ये समानुपातिक हो जाता है, लेकिन ये समानुपातिक नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं ए से एस कहता है कि किसी भी त्रिभुज के एक कोण
और दूसरे त्रिभुज का एक कोण उसके भुजा के क्या होना चाहिए, अंतर्गत होना चाहिए, यानी भुजा समानुपातिक होना चाहिए, बीच का कोण क्या होना चाहिए, या कह सकते हैं दो भुजाओं की, या दो भुजा और उसके अंतर्गत का कोण और दो भुजा अंतर्गत का कोण आपस में इक्वल हो तो वह क्या हो जाएगा, सर्वांग सब समरूप हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि थोड़ा सा बिल्कुल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे कि यह सर्वांगसम नहीं है। क्या नहीं है, तो सर्वांगसम नहीं है, यानी प्रॉब्लम डायरेक्ट क्या होगा, नहीं होगा। इसका आंसर डायरेक्ट क्या होगा, नहीं होगा। क्या नहीं होगा, तो समरूप नहीं होगा, समरूप नहीं होगा, क्योंकि यहां भुजा समानुपातिक दिख ही नहीं रहा है, लिखने से कोई फायदा ही नहीं है टाइम बर्बाद करने से। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले देखो त्रिभुज पी क्यू आर और एल एम एन, ठीक है। देखो इसका दुगना दिख रहा है ये, इसका दुगना दिख रहा है ये, और कोण क्या दिख रहा है, इक्वल दिख रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब हुआ कि चूंकि इसमें पी क्यू और बाई क्या करना पड़ेगा, एल एन, बताओ पी क्यू 4 और एल एन की वैल्यू 8, 4 दुनी 8, 4 एकम 4, यानी 1/2 आ रहा है। अगला क्या है, क्यू आर बाई में क्या लिखेंगे, एम एन बराबर। देखो सबसे पहले ये 10 दिया हुआ है, ये 20 दिया हुआ है, 2 बार में कटेगा, ये 1/2। क्या देख रहे हैं, दोनों भुजा क्या दिख रहे हैं, एक ही अनुपात में है ना, यानी चूंकि हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि पी क्यू बाई एल एन बराबर है तुम्हारा क्यू आर बाई एम एन, यानी 1/2, दोनों क्या है, इक्वल है, और इक्वल है, और कोण भी क्या है, बराबर, यानी कोण क्यू बराबर है कोण किसका, एन का, आपस में दोनों क्या है, बराबर है। किससे पता चला है, क्योंकि दोनों 50 डिग्री है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण, और भुजा अगर क्या हो, दो भुजा आपस में क्या हो, समानुपातिक हो, तो वह दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। अगर यहाँ लिखते हैं पी क्यू आर, क्या लिखते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर, सॉरी क्या लिखते हैं, पी क्यू आर, अगर समरूप दिखाना है, क्या दिखाना है, समरूप दिखाना है, तो क्या लिखेंगे, अगर पी क्यू आर 4 से इधर 10 की ओर गए, 50 बीच में है, तो देखो 4 का दुगना ये है, तो 4 से इधर क्या, 8 से इधर 20 तरफ आना है, 50 डिग्री बीच में लिखना है, तो त्रिभुज क्या होगा, एल एन एम, क्या होगा, एल एम एन होगा। यहाँ क्या लिखेंगे, तो ए से एस सर्वांग समरूपता से, समरूपता से ये क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। देखो दो त्रिभुज एल एम पी और तुम्हारा डी ई क्या है, एफ है। सबसे पहले देखो भुजा समानुपातिक दिख रहा है या नहीं, चलो ठीक है, ये तो दिख रहा है, 3 का दुगना दिख रहा है और 2 को दुगना दिख रहा है, लेकिन क्या ये 2.5 का दुगना होना चाहिए, लेकिन ये 2.5 नहीं, 2.7 है, और ये क्या है, 5 है, यानी 2.7 का दुगना क्या होगा, 5.4। क्या ये दोनों तीनों भुजा आपस में समानुपातिक दिख रहा है, तो तीनों में कोई भी एक डिफरेंट आवे, कोई भी भुजा है ना, तो ये क्या होगा, त्रिभुज समरूप नहीं होगा। क्या होगा, त्रिभुज समरूप नहीं होगा। डायरेक्ट लिख सकते हैं कि त्रिभुज एल एम पी त्रिभुज डी ई एफ समरूप नहीं है, समरूप नहीं है, ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर पे चलते हैं। दो त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर, देखो सबसे पहले एंगल यहाँ देखो, ए 85 डिग्री 85 डिग्री, 60 डिग्री 60 डिग्री, 35 डिग्री 35 डिग्री, है ना, तो यहाँ तो कोण तो इक्वल दिख रहा है, दोनों को समरूप दिखाना बिल्कुल आसान हो गया। क्या लिखेंगे बताओ, आपको एंगल ए जो होगा, एंगल क्यू का क्या होगा, इक्वल होगा 85 डिग्री से, बहुत बढ़िया। एंगल बी जो होगा 60 डिग्री, यानी एंगल पी के बराबर होगा 60 डिग्री से, और एंगल जो सी होगा वो इक्वल होगा एंगल आर के 35 डिग्री से। अब दोनों त्रिभुज दिखाना क्या है, समरूप दिखाना बिल्कुल आसान हो गया, इसलिए क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी क्या है, समरूप होगा, किस त्रिभुज का, ए बी सी 85 60 35, तो ए बी सी लिखे तो क्यू आर पी आर भी लिख सकते हो, या यहाँ ट्रायंगल भी देखकर भी लिख सकते हो, ए बी सी यानी 85 60, तो देखो 85 60 यानी क्यू पी आर, क्या लिखेंगे, क्यू पी आर, ट्रायंगल क्यू पी आर, ये क्या होगा, समरूप होगा, किससे होगा, तो एंगल 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 समरूपता से, एंगल 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 समरूपता से, इसी को कसौटी कहते हैं, रूल कहते हैं, है ना। या यहाँ ए बी सी लिखे तो क्यू पी आर भी लिख सकते हो, या
आकृति देखकर भी इसका क्या कर सकते हो, आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। पहले दो ट्रायंगल एबीसी और पीक्यूआर, ठीक है। सबसे पहले देखो कि तीन का दुगना हो रहा है, बहुत बढ़िया। दो का दुगना हो रहा है, ढाई का दुगना हो रहा है, बिल्कुल। यहाँ भुजा से क्या करना है, इसको समरूप दिखाना है ना, क्योंकि भुजा ही यहाँ पे क्या दिया हुआ है, समरूप दिया हुआ है, ये दिख रहा है, ऐसा ही दिख रहा है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए बी, तो ए बी के साथ कौन होगा, क्यू आर। तो बताओ यहाँ दो होगा तो इसका क्या होगा, फोर, दो दूनी चार, वन बाई टू, दो एक मरत में ही कटा था ना। अगला अगर हम लोग क्या लिखते हैं, बी सी, तो बी सी ढाई का दुगना फाइव होगा, तो यहाँ लिखना पड़ेगा पी आर। अब बताओ इसका नाम क्या होगा, तो बी सी की वैल्यू क्या है, तो बी सी की वैल्यू 2.5 और ये 5, अढ़ाई का दुगना 5 होता है, यानी अढ़ाई एक मरत में 1/2, बहुत बढ़िया। अब देखो क्या है, इसमें अगर ए सी चलते हैं तो तीन का दुगना 6 होता है, कौन चलना पड़ेगा, पी क्यू चलना पड़ेगा। तो बताओ ये 3 और ये 6 है, तीन दूनी 6 यानी 1/2, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे कि तीनों देख रहे हैं एक ही अनुपात में विभाजित हो रही है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ए बी बाई क्यू आर इक्वल टू बी सी बाई पी आर इक्वल टू ए सी बाई पी क्यू, है ना। तीनों जो है एक ही अनुपात में क्या हो रही है, विभाजित हो रही है, हो रही है या नहीं हो रही है। तो जब तीनों भुजा एक ही अनुपात में विभाजित हो तो दोनों त्रिभुज क्या होती है, समरूप होती है। तो ट्रायंगल अगर ए बी सी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ए बी सी, अगर यहाँ पे समरूप लिखते हैं ट्रायंगल, अगर यहाँ ए बी सी लिखते हैं, दो ढाई और तीन, तो दो के साथ ये है और ढाई के साथ ये, यानी कि क्यू आर पी, क्या लिखेंगे, ट्रायंगल क्यू आर पी, ये दोनों क्या होगा, तो समरूप होगा, किससे होगा, तो क्या लिखेंगे, एस 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 समरूपता से, एस एस क्या होगा, समरूपता से, ये क्या हो गया, तो ये प्रूव हो गया, सॉरी समरूप हो गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखो दो ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर, दो ट्रायंगल दिया हुआ है, इसमें देखो 60 डिग्री, इसमें भी 60 डिग्री, 80 डिग्री, 80 डिग्री, 40 डिग्री, 40 डिग्री, यहाँ कौन से क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है कि सिमिलर ट्रायंगल होगा, है ना, यानी समरूप त्रिभुज होगा। सबसे पहले देखो इसमें एंगल ए जो होगा 60 कौन दिख रहा है, एंगल पी के बराबर होगा, कितना डिग्री से, 60 डिग्री से। एंगल बी जो होगा, है ना, 80 डिग्री, कौन है, एंगल क्यू, 80 डिग्री से, ये दोनों इक्वल हो रहा है। और एंगल सी जो होगा, इक्वल होगा कौन, आर का, कितना डिग्री से, 40 डिग्री से। अच्छा ये बताओ जब तीनों कोण आपस में क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है, तो यहाँ पे चलेंगे ट्रायंगल ए बी सी, क्या होगा, ए बी सी, अगर यहाँ ए बी सी अगर क्या दिखाते हैं, समरूप, तो देखो ए बी सी, तो यहाँ लिखना पड़ेगा पी क्यू आर, ऐसे भी 60 80 40, तो 60 80 80 40 होगा, ठीक है, यानी क्या लिखेंगे, ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दोनों क्या हो गया, समरूप हो गया, क्या लिखेंगे, एंगल 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 समरूपता से। देखो इसमें थोड़ा सा हेजिटेशन इसलिए प्रॉब्लम होता है क्योंकि क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है और थोड़ा फास्ट बताना है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, तो ये प्रॉब्लम होने के कारण थोड़ा सा क्या होता है, हेजिटेशन होता है, तो वो सब प्रॉब्लम्स को क्या करना है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, क्वेश्चन पे ध्यान देना है, एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड नंबर पर चलते हैं हम लोग, ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो सेकेंड है ना। समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी पैरलर है डी सी, देखो ए बी सी और डी क्या है, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं, तो जिसकी दो भुजा समांतर और दो भुजा समांतर उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो देखो ए बी पैरलर है डी सी, यानी ए बी जो है डी सी के क्या है, समांतर को ही पैरलर इंग्लिश में कहते हैं। और इसके विकर्ण ए सी और बी डी, विकर्ण ए सी और बी डी, विकर्ण को डायगोनल जिसको कहते हैं, यही विकर्ण हो गया, विकर्ण कहते हैं किसे, तो आमने सामने कोण को मिलाने वाली रेखा को विकर्ण कहते हैं। एक दूसरे को कहाँ पे काटती है, ओ पे काटती है, ठीक है, यानी ओ पर परिच्छेद करती है। तथा ए बी इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, ए से बी तक की दूरी को ए बी 18 सेंटीमीटर, ओ बी की वैल्यू क्या है, तो ओ से बी तक की दूरी, ध्यान से समझना, ओ से बी तक की दूरी को वाई सेंटीमीटर दिया हुआ है, ओ डी यानी ओ से डी तक की दूरी कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, तो वाई की वैल्यू निकालना है, वाई के क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। सबसे पहले देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह की क्वेश्चन दो नंबर में पूछता है, ये पूछता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि ए बी सी डी, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, क्या है, समलंब चतुर्भुज है, एनी प्रॉब्लम, जो दिया हुआ उसको पहले क्या करना है, लिख लेना। तथा
ये देखना ध्यान से कि ए बी जो है पैरलर है किसका, डीसी का, ठीक है। और इसके विकर्ण, इसके विकर्ण एक दूसरे को, एक दूसरे को है ना, एसी और, एसी और बीडी बिंदु ओ पर काटती है या प्रतिच्छेद करती है, कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि ए बी बराबर देखो 18 सेंटीमीटर, ओ बी बराबर वाई सेंटीमीटर, ओ डी बराबर 10 सेंटीमीटर है ना, तो वाई की वैल्यू निकालना। चूंकि सबसे पहले ये ध्यान में रखना कि अगर ए बी पैरलर हो डी सी, ए बी पैरलर क्या हो डी सी हो, तो जान लेना दोनों भुजा एक ही अनुपात में होती है, यानी कह सकते हैं ए बी वाई डी सी बराबर होगा, बराबर होगा ओ बी वाई ओ डी। अब समझो ये ऐसा क्यों हो रहा है, यानी ए बी वाई क्या लिखेंगे डी सी, तो फिर होगा ओ बी वाई ओ डी। ये ऐसा कैसे हो रहा है, तो पिछले वीडियो में इसके बारे में बहुत अच्छा से डिस्कस किया है हमने, आगे भी करेंगे, ध्यान से समझना। सबसे पहले देखो बड़ी भुजा, उसके बाद सॉरी छोटी भुजा, उसके बाद बड़ी भुजा, तो ये दोनों में क्या करना है, ये छोटी है इसको क्या मानना है बड़ी, ऐसे भी देख दिख रहा है कि ये थोड़ा क्या है बड़ा है और ये थोड़ा क्या है छोटा है, तो इसके साथ क्या लेना है समानुपातिक लेना। इस तरह के तुम्हारा अर्धक कोण के बारे में भी बताएंगे, समद्विभाजक कोण के बारे में बताएंगे, उस समय तुम्हारा कंप्लीट हुआ होगा भी, उसके अनुसार से भी समझ सकते हो अभी। ये बताओ ए बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 18, डी सी क्या दिया हुआ है 30, ओ बी क्या दिया हुआ है वाई, ये कितना दिया हुआ है 10। देखो 6 से काट दो, 6 3 18, 6 5 30 एनी प्रॉब्लम। अब देखो ये 3 बाई 5 होगा, ये वाई बाई 10 होगा, एनी प्रॉब्लम। देखो क्या करना, नीचे नीचे भी काट सकते हो, लेकिन ऐसा करना 5 में y से गुना करना, 5 इक्वल टू 10 या 30, ठीक है। अरे 5 इक्वल टू 10 या 30, तो y इक्वल टू होगा 30 बाई 5, यानी कितना बार में कटेगा, तो 6 5 30, यानी चूंकि यहाँ कर सकते हैं कि इसलिए y की जो वैल्यू था 6 सेंटीमीटर, y के मान ही निकालना था, इसको बाकस में बंद कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 दिए गए चित्र में, देखो चित्र दिया गया बी सी 5 सेंटीमीटर, बी से सी तक की दूरी 5 सेंटीमीटर, ए सी देखो ए से सी तक की दूरी 5.5 सेंटीमीटर, ए बी देखो 4.6 सेंटीमीटर, पी और क्यू बिंदु क्रमशः ए बी और ए सी को इस प्रकार काटती है कि पी क्यू पैरलर बी सी है, यानी ये दोनों आपस में समांतर दिया हुआ है। पी क्यू बराबर 2.5 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज पी क्यू आर की अन्य भुजाएं ज्ञात करें, यानी पी क्यू आर तो इसमें दिया हुआ नहीं है, पी क्यू आर क्वेश्चन नंबर 3 दिए गए चित्र में बी सी देखो बी से सी तक की दूरी 5 सेंटीमीटर, ए सी की दूरी कितना दिया हुआ है 5.5 सेंटीमीटर, और ए बी की वैल्यू जो है 4.6 सेंटीमीटर है। पी और क्यू बिंदु क्रमशः ए बी और ए सी पर इस प्रकार है कि पी क्यू पैरलर बी सी है, देखो पी और पी क्यू जो है पैरलर है बी सी का, ठीक है। यदि पी क्यू बराबर 2.5 सेंटीमीटर, पी से क्यू तक की दूरी 2.5 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज ए पी क्यू की वैल्यू निकालना है, ए पी क्यू की अन्य भुजाएं ज्ञात करना है। अच्छा ये बताओ ए पी क्यू की एक भुजा ये, एक भुजा ये और एक भुजा ये, इसमें से एक भुजा दिया हुआ है, दो भुजा और ज्ञात करना है, यानी ए पी भी निकालना है और ए क्यू भी निकालना है। तो ऐसा करते हैं कि जो निकालना है उसको एक्स मान लेते हैं, ये एक्स हो गया, और एक भुजा ये निकालना है, इसको क्या मान लेते हैं वाई मान लेते हैं, यानी एक्स वाई की क्या निकालनी है वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले इसमें जो दिया हुआ उसको लिख लो, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि बी सी इक्वल टू कितना है 5 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू कितना है, चलो वहीं से स्टार्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताओ ए सी बराबर कितना है 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ए बी बराबर 4.6 सेंटीमीटर, पी क्यू बिंदु ए क्रमशः ए बी और ए सी पर इस प्रकार काटती है कि है ना, त्रिभुज पी क्यू सॉरी त्रिभुज यहाँ लिख सकते हो, त्रिभुज ए बी सी के दो भुजा या दो भुजाएं ए बी और ए सी को, ए बी और
एसी को बिंदु पी और क्यू, बिंदु पी और क्यू इस प्रकार काटती है, इस प्रकार काटती है कि, है ना, इस प्रकार काटती है कि पी क्यू समांतर बी सी है। पी क्यू समांतर क्या है? बी सी है, ठीक है। अब देखो इसमें से क्या करना है कि ये समांतर होगा तो हम लोग जानते हैं कि आपस में भुजा समानुपातिक होता है। भुजा क्या होता है? समानुपातिक होता है, ये तो जानता होगा। अब ऐसे भी देख रहे हैं कि इसका क्या हो रहा है, दुगना, तो इसका क्या हो रहा है, आधा। इसका मतलब है कि हाफ बटा पूरा, ये हाफ बटा पूरा बिल्कुल क्या ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो चूंकि यहाँ क्या है कि पी क्यू समांतर क्या है, बी सी है, तो बी सी होगा, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे कि जब ये दोनों समांतर होगा तो ऐसा लिख सकते हैं एपी बटा, क्या लिखेंगे, एपी बटा पीबी। थ्योरम में पढ़ाए ये, पार्ट वन वीडियो जाके जरूर देखना अगर इसमें प्रॉब्लम होता है तो। और फिर क्या लिखेंगे, ए क्यू बाई ए सी, ए क्यू बाई ए सी। लेकिन अब ऐसा समझो कि अगर ए क्यू बाई ए सी बराबर में यहाँ से क्या लेंगे, तो यहाँ लेंगे पी क्यू बाई बी सी। यानी कहने का मतलब हाफ बटा पूरा, हाफ बटा पूरा ई बटा इसका का क्या होता है, बराबर होता है। अब यहाँ से इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना कर दो, दोनों का क्या निकल जाएगा, वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो चलो निकालते हैं। देखो सबसे पहले क्या करना है, इतना बटा इतना बराबर इतना, एक बार इतना बराबर इतना, क्योंकि इसका x और इसका y दोनों का क्या निकल जाएगा, वैल्यू निकल जाएगा। चलो मान पुट कर देते हैं। देखो सबसे पहले क्या करना है, ए पी की वैल्यू क्या है, तो ए पी की वैल्यू x, बी पी की वैल्यू 4.6 बराबर, ए क्यू की वैल्यू क्या है, वाई, और ए सी की वैल्यू क्या है, ए से सी तक की दूरी कितना है, 5.5 बराबर, ए पी क्यू की वैल्यू क्या है, 2.5 और BC की वैल्यू क्या है, 5, ठीक है। अब देखो एक बार ये और ये लेकर बराबर करके X की वैल्यू निकाल लो, एक बार ये दोनों बराबर करके X की वैल्यू, यानी यहाँ से दो पार्ट्स में क्या कर देना, डिवाइड कर देना है। चूंकि देखो X बाई 4.6 इक्वल टू 2.5 बाई 5, देखो अढ़ाई दूनी क्या होगा, 5 होगा। अब 2 में यहाँ से क्या करेंगे, X बटे 4.6 1 बाई 2 क्या लिखेंगे, 2x बराबर 4.6, देखो x बराबर होगा 4.6 बाई 2 भाग देंगे, इसलिए x की वैल्यू कितना आएगा, 2.3, 2 पॉइंट क्या आया, 3। अब देखो क्या करते हैं, नाउ अब देखो ये दोनों को बराबर करके चलेंगे, है ना, तो y बाई क्या लिखेंगे, 5.5 इक्वल टू 2.5 बाई 5, अढ़ाई दूनी क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। y में 2 से गुना करो, 2y और 5.5 में 1 से गुना करेंगे, 5.5, तो y बराबर क्या आएगा, तो देखो समझो पहले 5.5 है, ठीक है, तो पॉइंट कटेगा तो 55 बटा कितना आएगा, 10। अब पहले से कितना था, 2, भागा देंगे तो ये कितना आएगा, 2 से अगर भागा देगा तो ये आएगा 27.5 बटा में 10 था, एक पॉइंट आ लेंगे, यानी 2.75 आएगा। यानी कहने का मतलब है कि 5.5 में 2 से भाग देंगे तो y की वैल्यू क्या आएगा, 2.75 आएगा, ये सेंटीमीटर हो गया, ये क्या हो गया, सेंटीमीटर हो गया। तो जिसका जिसका वैल्यू निकालना था निकल गया, तो x की वैल्यू निकालना था तो x के जगह पे क्या माने थे, AP, तो AP निकल गया, और ये क्या माने थे, AQ, तो ये जो है तुम्हारा AQ निकल गया, तो दो अन्य भुजा निकल गया, AP और AQ। यानी कह सकते हैं कि दो आंसर आया, कितना कितना, 2.3, और दूसरा जो आंसर आया 2.75, ये क्या हो गया, लास्ट में लिख लेना, अतः भुजाएं 2.3 सेंटीमीटर, दूसरा 2.75 सेंटीमीटर, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 दिए गए चित्र में, देखो चित्र दिया गया, ठीक है, त्रिभुज ए बी आर, ए बी आर, यहां देखो सुधार लेना तुम लोग, आर होगा, ठीक है, यहां पे तुम लोग का गलत कुछ हो सकता है। त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू बराबर 30 सेंटीमीटर, पी से क्यू तक की दूरी जो है कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर दिया है, इसको दर्शा दिए। ए आर की वैल्यू 45 सेंटीमीटर, ए से आर तक की दूरी कितना है, 45 सेंटीमीटर। अब देखो ध्यान से, ए पी की वैल्यू 72 सेंटीमीटर, ए पी, ए से पी तक की दूरी, ए से पी तक की दूरी की बात कर रहे हैं, है ना, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है
72 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, और एक क्यू आर की वैल्यू 42 सेंटीमीटर है। क्यू आर, क्यू से आर तक की दूरी जो है, यानी यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी होगा वो 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पी आर और बी आर का मान निकालना है। पी आर जिसका मान निकालना है, एक्स वाई मान लो, तो देखो पी आर, पी और आर यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना है, इसको क्या मान लिए? एक्स मान लिए, ठीक है, और बी आर, तो बी और आर यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना है, इसको क्या मान लिए? वाई मान लिए। मान भी सकते हो, नहीं भी माने को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मान लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ देखो जो पहले दिया वो उसको लिख देना। सबसे पहले क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए बी आर समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, है ना, जिसका पी क्यू बराबर 30 सेंटीमीटर, ए आर बराबर 45 सेंटीमीटर और ए पी बराबर 72 सेंटीमीटर और क्यू आर बराबर 42 सेंटीमीटर, है ना। तो जिसका जिसका मान निकालना है वो तो मान ही लिए, मान लिए तो लिख लेना, माना कि पी आर बराबर एक्स सेंटीमीटर माने, है ना, पी आर की वैल्यू क्या माने? एक्स सेंटीमीटर, और बी आर की वैल्यू क्या माने? वाई सेंटीमीटर, यानी एक्स वाई का जो वैल्यू आएगा वही हम लोग का क्या होगा? आंसर होगा। चूंकि हम लोग जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपातिक होता है, जो निकालना है वो चलना है और जो दिया हुआ वो चलना है, ठीक है। अब ऐसा करना कि एक भुजा निकालने, एक भुजा जो निकालना है वही लेके चलना, चार भुजा में कोई एक भुजा निकालना है वही लेके चलना, ये नहीं कि ये भुजा ये दोनों चलेंगे तो फिर निकलना संभव नहीं है, ठीक है, ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपातिक होता है, लिख भी सकते हो, लेकिन जानता है तो क्या जरूरी है, लॉन्ग क्वेश्चन होगा, टू नंबर का ही है, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले अगर इसमें क्या करते हैं कि देखो ध्यान से, क्या निकालना है? वाई की वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? वाई की वैल्यू। तो पहले इसका निकाल लेते हैं, इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। सबसे पहले बताओ ए पी इक्वल टू, अच्छा ये बताओ ए से पी तक की दूरी ए पी, ए पी में क्या होगा? ए आर प्लस आर पी, ए आर प्लस आर पी। अच्छा ये बताओ ए आर की वैल्यू क्या है, सॉरी ए पी की वैल्यू क्या है? ए से पी तक की दूरी दिया हुआ है 72 सेंटीमीटर, है ना, 72 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बराबर ए आर, ए से आर तक की दूरी कितना है? 45 सेंटीमीटर, और प्लस आर पी को हम लोग कह सकते हैं पी आर, क्या कह सकते हैं? आर पी को पी आर कह सकते हैं, इसका वैल्यू क्या है? एक्स दिया हुआ है। अब देखो क्या करना है, तो 72 माइनस 45 इक्वल टू एक्स। अब बताओ इसलिए इसमें से किसका भाग निकल जाएगा? एक्स की वैल्यू निकल जाएगा। बताओ 12 में 5 जाएगा 7, और बताओ 6 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा, यानी x की वैल्यू कितना आया? 2 सेंटीमीटर आया। x की वैल्यू को हम लोग क्या माने थे? x किसका वैल्यू माने थे हम लोग? पी आर। तो यहाँ से लिखेंगे कि पी आर इक्वल टू, इसलिए पी आर इक्वल टू 27 सेंटीमीटर, ये क्या हो गया? ए वो का आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो, अब देखो क्या करते हैं, तो बी आर की वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है? बी आर, बी आर मतलब अपना बिहार, है ना। सबसे पहले देखो क्या करना है, दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपातिक होता है, यहाँ लिख सकते हैं ए बी, वही मान ले के चलना है जो इसमें दिया हुआ है। ए बी देख लेना, लेने से पहले ये देखना कि इसमें मान दिया हुआ है या नहीं। ए से बी तक की दूरी ए बी, इसका मान दिया हुआ है? नहीं, तो कोशिश करना इसका मान नहीं लिखेंगे, ठीक है। ए आर, ए आर चल सकते हैं, ए आर, ए आर, हाँ यार 45 दिया हुआ ए आर, तो ए से आर चले तो यहाँ लिखेंगे पी आर। क्या पी आर की वैल्यू है? पी आर, बिल्कुल पी आर की वैल्यू है। अब देखो ध्यान से अगला जो वैल्यू है बी आर, क्या बी आर की वैल्यू है? तो बी आर ही तो निकालना है, तो ये तो लिख चलना ही पड़ेगा, तो बी आर, तो अगला क्या होगा? क्यू आर, यानी जस्ट जैसे जैसे लगातार लेते हैं वैसे इसमें भी लगातार लेना है क्यू आर, और क्यू आर का मान इसमें दिया हुआ है, क्यू से आर तक की दूरी 42 दिया हुआ है। अब यहाँ से देखो इसका मान पुट कर देते हैं, ठीक है। अब मान पुट करेंगे तो देखो क्या होगा, ध्यान से समझना। ये बताओ ए आर, ए आर 45, पी आर, पी आर, पी आर की वैल्यू एक्स माने हैं, और एक्स की वैल्यू अभी निकाले हैं, एक्स की वैल्यू देखो, पी आर की वैल्यू 27 बराबर बी आर कितना है? वाई, यही तो हम लोग को निकालना है, और
बाई में क्या क्यू आर, क्यू आर देखो ध्यान से, क्यू और आर कितना 42। अब देखो ध्यान से क्या करते हैं, देखो 9 से कट जाएगा, 9 पचे 45 और 9 तिया 27। अब देखो 3 से y में गुना करो, 3y और 42 को 5 से गुना करेंगे, गुना का ही फंक्शन में रहने दो, काटने में आसानी होगा। तो देखो y इक्वल टू क्या होगा, 42 गुने 5 बाई 3, देखो कट जाएगा 44 42, है ना। तो y का मान 14 पचे 70 कितना आएगा 70। y हम लोग किसका वैल्यू माने थे, y जो था किसका मान माने थे, br। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि br इक्वल टू 70 सेंटीमीटर, ये क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव। दिए गए चित्र में, देखो दिया गया चित्र है, क्यू ए और पी ए लंब है, देखो क्यू ए और पी बी दोनों ए बी पे क्या है, ए बी पर क्या है लंब है, देखो लंब है किस पे, ए बी पर। यदि ए ओ बराबर 10 सेंटीमीटर, बी ओ बराबर 6 सेंटीमीटर और पी बी बराबर, देखो पी बी बराबर 9 सेंटीमीटर, तो ए क्यू की वैल्यू निकालना है। ए क्यू की वैल्यू का मतलब होता है ये किसका मान निकालना है, मान ली एक्स की वैल्यू निकालना है। सबसे पहले जो दिया हुआ उसको लिख लेते हैं, क्यू ए और पी बी और क्या है पी बी, क्यू ए और पी बी लंब है, क्या है लंब है किस पर, लंब है ए बी पर, किस पे लंब है ए बी पर। यदि यदि ए ओ बराबर 10 सेंटीमीटर, बी ओ बराबर 6 सेंटीमीटर और पी बी बराबर 9 सेंटीमीटर, तो ए क्यू की वैल्यू निकालना है। ए क्यू की वैल्यू क्या मान ली है 1 सेंटीमीटर, यही हम लोग का क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है, ठीक है। चूंकि सबसे पहले ध्यान से समझने क्या करना, कोशिश करना। अच्छा ये बताओ, इस पे ये लंब है, इस पे ये लंब है, तो हम लोग चलते हैं ट्रायंगल ओ ए क्यू और ट्रायंगल ओ बी पी, ओ बी पी में देखो समरूप करते समय ट्रायंगल को ध्यान में रखना है, एंगल साथ में लिखना पड़ेगा कि किस अनुसार से उसको समरूप कर रहे हैं उसके अनुसार से लिखना पड़ेगा। लेकिन नाम अगर लिख रहा है तो कैसा हो भी लिखो, त्रिभुज का नाम कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ क्या लिखते हैं, चूंकि देखो इस त्रिभुज में ए क्या है 90 और उस त्रिभुज में क्या है बी 90, है ना, लिख देंगे 90 से या समकोण से ये दोनों क्या हो रहा है बराबर हो रहा है, कोई प्रॉब्लम। अच्छा ये बताओ ये भी लंब है और ये भी लंब है, दोनों ए बी पे लंब है, इसका मतलब ये और ये दोनों आपस में समांतर होगा, क्या होगा समांतर होगा। और जब ये और ये दोनों समांतर होगा, क्यों समांतर होगा, क्योंकि ये भी लंब ये भी लंब, अब दोनों लंब होगा तो कभी भी मिलेगा दूरी तक जाएगा, तो दोनों आपस में समांतर होगा। अब समांतर होगा तो ये प्रतिच्छेदी रेखा होगा, काटने वाली रेखा प्रतिच्छेदी होगा, और ये कोण जो होगा इस कोण के बराबर होगा और ये कोण जो होगा इस कोण के बराबर होगा एकांतर कोण से। तो देखो ये जो कोण होगा इस कोण के क्या होगा बराबर होगा, यानी लिख सकते हैं कोण क्यू जो होगा कोण पी का क्या होगा इक्वल होगा, कौन से एंगल से एकांतर कोण से। एकांतर कोण कैसे हुआ अभी हम तुमको जस्ट समझाए हैं, ठीक है। अब बताओ किसी भी त्रिभुज में दो कोण ही बराबर हो जाए तो क्या हो जाता है समरूप हो जाता है, लेकिन तीसरा देखो शीर्षाभिमुख कोण से सम्मुख कोण से ये क्या हो जाएगा इक्वल, या शेष कोण से भी लिख सकते हो। तो ये क्या लिखेंगे कोण ए ओ क्यू। अब सोच रहा होगा कभी कभी कोण एक गो का नाम से देते हैं कभी तीन गो, तो ओ जो हो रहा है ना इधर का भी हो सकता है इधर का भी हो सकता है, तो इसलिए इसको तीन अक्षर से दो ताकि इसका सेटिस्फाई कंप्लीट हो, ठीक है। तो कोण ए ओ क्यू क्या लिखेंगे, एंगल ए ओ क्यू बराबर होगा एंगल पी ओ बी, ठीक है। लिख देना शीर्षाभिमुख से, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से क्या हो गया इक्वल हो गया। अच्छा ये बताओ अब ये इक्वल हो गया, तीनों आपस में कोण इक्वल हो गया तो क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा। तो अब देखो हम यहाँ नाम लिख रहे हैं ट्रायंगल ओ ए क्यू समरूप, ध्यान से देखना ओ ए क्यू समरूप होगा। अब देखो किससे समरूप हो रहा है,
देखो सबसे पहले शीर्षाभिमुख कोण, फिर 90 और फिर एकांतर। तो इसमें शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण यही हुआ, फिर 90 और फिर एकांतर, यानी ओ बी पी में चलेंगे। ट्रायंगल क्या होगा, ओ बी पी। अब बताओ ये दोनों जो है ट्रायंगल आपस में समरूप हो गया तो तीनों कोने से होगा, तो क्या लिखेंगे, एंगल 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 समरूपता से, समरूपता से ये क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल समरूप हो गया। आप जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपातिक होता है ना। तो अगर इसमें हम चलते हैं ओ ए, तो बट्टा में क्या होगा ओ बी। देखो ओ ए का मान निकालना है, ओ बी दिया हुआ है, चलो ठीक है। अगला इस त्रिभुज में क्या लेते हैं, ओ ए, देखो ओ ए चले ठीक है, और इसमें ए क्यू चलना था, तो उसमें क्या चलना पड़ेगा, जैसे ओ ए चले तो इसमें क्या हुआ, ओ बी हुआ। अब इसमें चलते हैं हम लोग ए क्यू, ए क्यू निकालना था सॉरी, तो ए क्यू अगर इसमें हम लोग चले ए क्यू तो इसमें क्या होगा, बी पी। अब ये बताओ ओ ए की वैल्यू क्या है, 10, ओ बी की वैल्यू क्या है, 6। एकदम ध्यान से समझते रहो, टाइम देना समझने में, कहीं कंप्लीट कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा ठीक है। देखो 10/6 ए क्यू, ए क्यू, ए क्यू की वैल्यू क्या माने, एक्स। बी पी की वैल्यू क्या माने, 9। तिरछा तिरछी गुना कर दो, पहले इसका हाफ कर दो ठीक है। तो ये क्या होगा, x में 3 से गुना करेंगे 3x, और 9 बचे कितना होगा, 45 है ना। तो बताओ x की वैल्यू चाहिए, तो 45/3 15 या 45, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, x की वैल्यू कितना आएगा, 15 आएगा। तो x जो माने थे किसका माने थे, ए क्यू, तो यहाँ से लिख सकते हैं, इसलिए ए क्यू बराबर 15 सेंटीमीटर, ये क्या हो गया, तो हम लोग का आंसर हो गया।